एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं मैथ्स वर्कशीट से। और ये एक डेली रिवीजन शीट है एलकेजी क्लास और यूकेजी क्लास के लिए, ठीक है। और अगर फर्स्ट क्लास में भी आप इसका रिवीजन कराना चाहें तो वो भी उसके लिए अच्छी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ये पैटर्न वाइज है, इसको कम्प्लीट करना है, ठीक है। राइट द नंबर्स दैट कम्स नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न वाइज कम्प्लीट करना है इसको। जैसे यहाँ पे वन है, वन के बाद थ्री है, थ्री के बाद फाइव है, फाइव के बाद सेवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू हमने छोड़ा, थ्री लेगा, थ्री के बाद फोर छोड़ दिया, फाइव लेगा, फाइव के बाद सिक्स छोड़ दिया, सेवन, यानी कि वन नंबर को स्किप करते हुए है। तो वन से टू छोड़ेंगे, थ्री, थ्री के बाद फोर नहीं लिखा, फाइव, फाइव के बाद सिक्स नहीं लिखा, सेवन, सेवन के बाद एट छोड़ के नाइन, टेन नहीं लिखेंगे, इलेवन, ट्वेल्व नहीं लिखेंगे, थर्टीन, फोर्टीन नहीं लिखेंगे, फिफ्टीन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो पैटर्न होते हैं उसको हमें क्लियर समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टू फोर सिक्स एट है ना, टू फोर, टू में टू अगर हम ऐड करते हैं तो फोर आता है, टू टू फोर, फोर टू सिक्स, सिक्स टू एट है ना। तो एट में अगर हम टू प्लस करेंगे तो हमारे पास टेन आ जाएगा, टेन में टू प्लस करेंगे ट्वेल्व, ट्वेल्व में टू प्लस करेंगे फोर्टीन, और फोर्टीन में टू प्लस करेंगे सिक्सटीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वन फोर सेवन टेन है ना। तो वन से फोर के बीच में कितना गैप है, वन के बाद टू थ्री है ना। अगर हम फोर से वन को माइनस करते हैं तो हमारे पास थ्री आता है, यानी कि थ्री का गैप है, थ्री और वन फोर होता है, फोर में अगर हम थ्री ऐड करते हैं तो सेवन आता है, सेवन में अगर हम थ्री ऐड करते हैं तो टेन आता है, ठीक है। सबसे पहले हमें पैटर्न समझना चाहिए। जैसे वन में अगर हम थ्री ऐड करेंगे फोर आएगा, फोर में थ्री ऐड करेंगे सेवन आएगा, सेवन में थ्री ऐड करेंगे टेन आएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी हम थ्री ऐड करके ही लिखेंगे, टेन और थ्री थर्टीन, थर्टीन में थ्री ऐड करेंगे देन सिक्सटीन, सिक्सटीन में थ्री ऐड करेंगे नाइनटीन, और नाइनटीन में थ्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वेंटी टू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ये जैसे जनरल काउंटिंग होती है उस तरीके से है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, फोर्टीन के बाद फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, ठीक है। शुरू में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब इस तरह के सवाल वो सॉल्व करने लगते हैं धीरे धीरे तो उनके लिए इजी हो जाता है, और वो पैटर्न देख के समझ जाते हैं कि हाँ इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, अभी तो आप जैसे यू के जी में हो तो आपको फाइव का टेबल कंटिन्यू लर्न होगा, तो फाइव, फाइव टू जै टेन, फाइव थ्री जै फिफ्टीन, और फाइव फोर जो, क्योंकि फाइव फाइव छोड़ के है तो आप इसको फाइव का टेबल कंटिन्यू करते हुए भी लिख सकते हो, और अगर आपको फाइव का टेबल नहीं आता है तो इसको आप फाइव प्लस करते हुए कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे फाइव में फाइव प्लस करते हैं टेन आता है, टेन में फाइव प्लस करते हैं फिफ्टीन आता है, फिफ्टीन में फाइव प्लस करते हैं ट्वेंटी आता है, ट्वेंटी में फाइव प्लस करेंगे ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में फाइव प्लस करेंगे थर्टी, थर्टी फाइव और फोर्टी, ठीक है। तो हमारा ये जो पैटर्न है वो कम्प्लीट हो गया। इसमें वन थ्री टू प्लस है, टू और वन थ्री होता है, थ्री और टू फाइव होता है, फाइव और टू सेवन होता है, सेवन टू नाइन, नाइन टू इलेवन, इलेवन टू थर्टीन, थर्टीन टू फिफ्टीन। ऐसे यहाँ पे है टू टू फोर, फोर टू सिक्स, और ये ना देखिए टू का टेबल के जैसा भी है, टू वन जै टू, टू टू जै फोर, टू थ्री जै सिक्स, टू फोर जै एट, क्योंकि टू की काउंटिंग से कम्प्लीट है ना। टू है, टू में टू ऐड किया फोर आ गया, फोर में टू ऐड किया सिक्स आ गया, सिक्स में टू ऐड किया एट, ऐसे ही करते करते ये हमने आगे कंटिन्यू किया, ठीक। लास्ट नेक्स्ट है इसमें राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, स्मॉल टू बिग, ठीक है, छोटे से बड़ा, जो नंबर छोटा है उसको पहले लिखेंगे, जो नंबर बड़ा है उसको बाद में लिखेंगे, तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें छोटा नंबर क्या है, फोर्टी फोर है, तो हम यहाँ पे फोर्टी फोर लिखेंगे, फोर्टी फोर के बाद सिक्सटी सिक्स, एंड लास्ट में बिगेस्ट नंबर होता है तो एटी एट, ठीक है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिगेस्ट, ठीक है। थर्टी फाइव, सिक्सटी फाइव, फिफ्टीन, फिफ्टीन सबसे छोटा है तो हम फिफ्टीन को पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे थर्टी फाइव लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिक्सटी फाइव लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सतासी, माने सॉरी एटी सेवन, नाइनटीन सिक्सटी सेवन, ठीक है। एटी सेवन को हिंदी में सतासी कहते हैं, इसको नाइनटीन को उन्नीस कहते हैं, सिक्सटी सेवन को सड़सठ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नाइनटीन है, हम यहाँ पर नाइनटीन लिखेंगे, 19 के बाद यहाँ पे 67 आएगा, 67 के बाद
87 आएगा। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो वर्कशीट है वो एक डेली रिवीजन शीट है, जिससे कि आपका जो लर्निंग स्किल्स होता है वो आपका अच्छा बना रहे, आपको जो कंप्लीट है ना, जो सिलेबस आपका कंप्लीट है उसका एक रिवीजन होता रहे इसलिए। और डेली रिवीजन करना भी ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है आप जो भी चीज़ कंप्लीट किए हुए होते हो वो आपको ध्यान में बनी रहती है और आप उसको भूलते नहीं हो। ठीक है, 38, 42, 86। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे छोटा 38 है, फिर 42 है और फिर 86 है। ठीक है, यहाँ पे 17 है ना। जब हम रेगुलर उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे एक तो वो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं और फिर वो चीज़ हम बहुत अच्छे से हमें कंप्लीट हो जाती है। तो जो रिवीजन होता है ना वो हमारी स्टडी का बहुत मेन पार्ट होता है, उसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। आप सभी चीज़ की रिवीजन एक साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक एक करके रिवीजन तो डेली एक रिवीजन तो कंप्लीट किया ही जा सकता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने पैटर्न वाइज कंप्लीट किया, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई है। ओके, आपको जो टेबल है वो कंप्लीट कराए गए होंगे यूकेजी में, तो यहाँ पे जो टेबल है वो लास्ट टेबल 8 तक का दिया हुआ है, यानी कि 2 to 10 टेबल का हमने ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, एलकेजी में क्या होता है 5 तक टेबल कंप्लीट करा दिए जाते हैं, और जब हम यूकेजी में फर्स्ट क्लास में आते हैं तो हमारे 10 तक टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको टेबल कंप्लीट है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। टेबल आपको लर्न नहीं करने हैं, लिखने के लिए तो आपको बहुत शॉर्टकट मिल जाएंगे, लेकिन जब टेबल की बात आती है तो लर्न करने के लिए आपके पास सिवाय लर्न करने के कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको लर्न कीजिए। ठीक है, 8 × 6 है, या तो आप 6 to 8 करो तो भी सेम नंबर सेम आंसर होगा, या फिर 8 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम नंबर होता है। ठीक है, तो हम 6 का टेबल, 8 6 जा क्या होता है 48 होता है। ठीक है, हम यहाँ 48 लिखेंगे, 7 6 जा क्या होता है 42 होता है। ओके, 6 6 जा क्या होता है 36। टेबल मुझे लर्न है इसलिए हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेबल लर्न नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका टेबल कंप्लीट कीजिए। ठीक है, 8 4 = 32 होता है, 6 6 = 36 होता है, 7 6 = 42, 8 6 = 48, 8 3 = 24, 5 3 = 15, 6 3 = 18, 8 3 = 24। ठीक है, ये हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये मुझे कंप्लीट है टेबल, है ना, 3 6 = 18, और आपके लिए भी ये इतना ही ईजी होगा अगर आपका जो टेबल है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 6 जा क्या होता है 12 होता है, एंड 9 2 = 18। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 6 × 3 लिखा है। ठीक है, अगर आपको 3 का टेबल, 6 का टेबल नहीं आता है, 3 का आता है, तो आप 3 6 = 18 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 × 8 लिखा है, अगर आपको 8 का टेबल नहीं आता है, 3 का टेबल आता है, तो आप 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िए। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। 7 6 जा, अगर आपको 7 का नहीं आता है तो आप 6 का टेबल पढ़ सकते हैं। 8 4 जा, तो ये तो 4 का ही टेबल पढ़ना है। ठीक है, मतलब जो टेबल आपको लर्न है आप उस टेबल से उसको रीड करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है, राइट इन करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं और आपको ये करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं। तो यहाँ पे 76 सबसे पहले ही आएगा क्योंकि सबसे छोटा है, 76 के बाद क्या आता है 77 आता है, यहाँ पे 77 लिखेंगे, फिर 78, 79 एंड देन लास्ट में 80। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे 91 95 92 94 93, सबसे स्मॉल नंबर 91 है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, 91 के बाद 92 93 93 के बाद 94 94 के बाद 95। ठीक है, अब देखिए ये करेक्ट ऑर्डर में हो गया। यहाँ पे पहले क्या था, 76 78 80 77 79, ये नंबर तो सही लिखे हैं पर ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, हमने इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखा 76 77 78 79 80, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हो गया 91 92 93 94 95, ऐसे ही हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे
यहाँ पे क्या हो जाएगा 76, 77 ये सेम सवाल है मेरे ख्याल से, 78, 79, 80 हाँ ये इससे मैच हो गया है ना। चलिए आप जब इसको बनाना तो यहाँ पे दूसरा सवाल तैयार कर लेना, और ये जो है लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर, ठीक है। 8 से बिफोर क्या आता है, बिफोर का मतलब होता है इधर है ना, जस्ट पहले जो नंबर आता है तो ये क्या हो जाएगा 7, 8 है ना, 7 के जस्ट बाद में 8 आता है और इससे जस्ट पहले 7 है, 17 से जस्ट पहले 16 है ना, इसके बाद ही तो हम 7 बोलते हैं, 16 16, 17 17, 12 से जस्ट पहले 11 11 आता है, और 20 से जस्ट पहले क्या आता है 19 19, ठीक है। ऐसे ही बिटवीन में, बिटवीन का मतलब होता है इसके आफ्टर और इसके बिफोर है ना, इस नंबर से आफ्टर और इस नंबर से बिफोर जो होगा वो बिटवीन हो जाएगा, तो 1 के आफ्टर 2 और 3 से बिफोर 2, तो ये हमारा बिटवीन हो गया 20 21 22, 8 9 10 14 15 16, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर मतलब नेक्स्ट नंबर जो होता है ना, 7 13 14 29 30 42 40। ओके, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, मेरी जो वर्कशीट होती हैं वो आपके डेली रिवीजन में, आपकी स्टडी में आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश वर्कशीट के साथ, और यूकेजी क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों ही क्लास के बच्चे इसका रिवीजन कर सकते हैं, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है वो बच्चों की स्टडी में, वर्कशीट तैयार करने में और रिविजन्स में हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मैच द अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक साइड में लिखे हुए हैं वो शब्द और नेक्स्ट में है उसके अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं, तो हमें सही पेयर से इसको मैच करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यू है, तो न्यू का अपोजिट क्या होता है, न्यू का अपोजिट होता है ओल्ड है ना, तो हम क्या करेंगे ओल्ड के साथ इसको मैच कर देंगे। फैट, फैट का अपोजिट क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको थिन के साथ मैच करेंगे। बिग, बिग का अपोजिट स्मॉल हो जाएगा। बॉय, बॉय का अपोजिट गर्ल हो जाएगा। जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो बच्चों को हम लोग लर्न कराते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम उनका रिविजन नहीं कराते हैं तो बच्चे उसको भूलने लगते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों का एक अल्टरनेट रिविजन ज़रूरी होता है। डे है, तो डे के साथ नाइट, और मैन के साथ वुमन, ठीक है, और शॉर्ट के साथ क्या हो जाएगा टॉर्च, ठीक है। देन न्यू, ओल्ड, फैट, थिन, बिग, स्मॉल, बॉय, गर्ल, डे, नाइट, मैन, वुमन, शॉर्ट एंड टॉर्च, ठीक है, ये हुए इसके अपोजिट। नेक्स्ट है राइट द लेटर्स करेक्टली, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो है हमें करेक्टली लिख के इनका एक वर्ड कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा अधूरा लिखा हुआ है, राइट द लेटर्स करेक्टली टू कंप्लीट द वर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है जिससे कि वर्ड जो है वो बन जाए, ठीक है। तो एन एच ई, जब बच्चे जो है बुक की रीडिंग करते हैं उन्हें स्पेलिंग कंप्लीट होती है तो वो वर्ड लेटर्स देख के समझ जाते हैं कि इससे क्या वर्ड बनना है, और इसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस क्या होता है कि बच्चे उसको इतना अच्छे से नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो हम इसको करते हैं, जहाँ बच्चे इसको दो चार बार इस तरह की वर्कशीट सॉल्व करते हैं ना, तो वो फिर वो समझने लगते हैं। तो यहाँ पे बनेगा एच ई एन, हैन, ठीक है, एच ई एन। अब यहाँ पे है एन यू एस, तो इससे क्या बन जाएगा एस यू एन, सन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा सी यू सी, कप, ठीक है। इसके लिए क्या है कि स्पेलिंग लर्न होना जरूरी है, जब तक स्पेलिंग लर्न नहीं होगी बच्चा इनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जग, जे यू जी, जग, ठीक है।
अब ये क्या है एम ए एन मैन, ठीक है। नेक्स्ट टी ई एन टेन, टी ई एन टेन, एन ये क्या हो जाएगा टी यू बी टब हो जाएगा, ठीक है, टी यू बी टब। ओके तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, एच ई एन हैन, एस यू एन सन, सी यू पी कप, बी ए टी बैट, जे यू जी जग, एम ए एन मैन, टी एन टेन, टी यू बी टब, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ब जो है वो मैच करने हैं। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है सेम साउंड वर्ड होना चाहिए, जैसे डी ओ टी डॉट है तो पी ओ टी पॉट, ठीक है। ओके पी यू पी पब तो इसका सेम साउंड क्या होगा सी यू पी कप, तो ये इसका राइमिंग वर्ड। ओके तो नेक्स्ट है टी एन टेन और एच ई एन एन, ठीक है ये हो गया, बी ए टी बैट, आर ए टी रैट, ओके एस यू एन सन, बी यू एन बन, ठीक है, और बी आई एन बिन के बाद क्या हो जाएगा बी आई एन बिन, ये इसके राइमिंग वर्ड्स हुए। सेम साउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे डी ओ टी डॉट पी ओ टी पॉट है ना, सेम साउंड है डॉट पॉट, पी यू पी पप, सी यू पी कप, टी एन टेन, एच ई एन हैन, बी ए टी बैट एंड देन आर ए टी रैट, ठीक है, एस यू एन सन, बी यू एन बर्न, बी आई एन बिन एंड सी आई एन पिन, ठीक है। जो जो सेम साउंड वर्ड होते हैं उनको कहते हैं राइमिंग वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको जो राइट पेयर है वो मैच करना है, जैसे टेबल है तो टेबल के साथ जो पेयर जाता है वो चेयर का जाता है ना, तो टेबल के साथ हम क्या करेंगे चेयर को मैच करेंगे, ठीक है। लॉक, लॉक के साथ क्या होता है की है ना, लॉक के साथ क्या मैच होता है की, क्योंकि ताले के साथ हमेशा चाबी होती है। शूज, शूज के साथ सॉक्स, ठीक है ना, शूज सॉक्स, जूते के साथ मोजे होते हैं, शूज के साथ क्या होते हैं सॉक्स होते हैं। अम्ब्रेला के साथ क्या होगा रेन है ना, ब्रेड बटर, ठीक है ये होते हैं पेयर, ठीक है। टेबल, चेयर, लॉक, की, शूज, सॉक्स, अम्ब्रेला, रेन, ब्रेड के साथ बटर। ओके नेक्स्ट जो है वो है फिल इन द ब्लैंक विद ए और एन, ठीक है। हमें क्या करना है इसके आगे जो ए लगना है तो ए लगाना है और एन जहाँ सुटेबल होगा वहाँ एन लगाना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो वॉवल्स होते हैं उनके आगे हम एन यूज करते हैं, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके आगे हम ए यूज करते हैं। तो आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट को ध्यान में रखते हुए ए और एन को यूज करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना मैन, और ए और एन के यूज पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट ओपन करना एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास तक, ठीक है। तो कोई भी प्लेलिस्ट ओपन करोगे ना तो वहाँ पे ए और एन का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे इसकी टोटल डिटेल्स आपको दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं मैन, जो एम है हमारा, ओके तो एम जो है वो क्या है कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे एम के आगे क्या लगेगा ए लगेगा, क्योंकि एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आउल, ओ क्या है वॉवल है तो यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। फिश, एफ कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए, एफ अ फ्लावर, एलिफेंट वॉवल है तो एन एलिफेंट, बोट अ बोट और अ काउ, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्या है ऑनियन, तो ओ जो है हमारा वॉवल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एन होगा, एन ऑनियन। मैंगो, अ मैंगो क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। अ बर्ड, ए और एन का यूज करने से पहले आपको क्या है कि यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि जो पहला लेटर है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही आपको ए और एन को यूज करना है, ठीक है। एन ऑनियन, अ मैंगो, अ बर्ड, एन अम्ब्रेला है ना। यू क्या है वॉवल है। एन एग, एन ऑक, ठीक है, वो भी क्या है वॉवल है। इंक, एन इंक पॉट, ठीक है, एन इंक पॉट। देन हम एक बार फिर से अ मैन, एन आउल, अ फिश,
अ फ्लावर एन एलिफेंट अ बोट अ काउ एन ऑनियन अ मैंगो अ बर्ड एन अम्ब्रेला एन एग एन ऑक्स एन इंकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कंप्लीट द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वॉवल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कुछ वर्ड मतलब वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे वॉवल्स को यूज करना है जिससे कि एक वर्ड बन जाए। ठीक है, आप कॉन्सोनेंट नहीं यूज करोगे, आप सिर्फ वॉवल यूज करोगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, आपको यही लेटर जो है वो इसमें यूज करने हैं। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे के है, फिर तो हम यहाँ पे ओ भरेंगे, है ना। ओ फिल करने से क्या होगा, ये वर्ड बन जाएगा बी डबल ओ के बुक, ये क्या हो जाएगा पी ए आर के पार्क। ठीक है, ये हो जाएगा सी ए के ई। इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो स्पेलिंग है ना वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो आप जब भी बुक की रीडिंग दो तो आवाज के साथ दो पढ़ पढ़ के, जैसे बी डबल ओ के बुक, पी ए आर के पार्क, सी ए के ई केक, ये सी है। ठीक है, सी ओ डब्ल्यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए एन जी ओ। ठीक है, मैंगो ट्री, टी आर डबल ई ट्री, एफ आई एस एच फिश, एंड ये क्या हो जाएगा एस एस डबल ई पी शी। ओके, तो आपके ये जो वर्ड है वो कंप्लीट हो गए हैं, आपको स्पेलिंग कंप्लीट होनी चाहिए इनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ए ई आई ओ यू, आप देखिए हमने हर जगह जो है वॉवल्स ही यूज की है। ठीक है, बी डब्ल्यू के बुक, पी ए आर के पार्क, सी ए के ई के, टी ओ डब्ल्यू काव, एम ए एन जी ओ मैंगो, टी आर डबल ई ट्री, एफ आई एस एच फिश, एस एस डबल ई पी शेट। ठीक है, तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है, और मेरे ख्याल से आज की जो वर्कशीट है वो आपके रिविजन में भी हेल्पफुल होगी। और इसी तरह के वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम डेली टू डेली अल्टरनेट क्लासेस रहते हैं, जैसे यूकेजी और फर्स्ट क्लास के लिए ये वर्कशीट हो गई, तो नेक्स्ट डे हम और किसी क्लास के लिए वर्कशीट अपलोड करेंगे, लेकिन हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको वहाँ इस तरह की और भी वर्कशीट्स मिल जाएंगी जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग रिविजन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है और आपको इस तरह की वर्कशीट की जरूरत है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।